जम्मू में भी देखो कितनी सर्दी है, यहाँ पे आते ही कांगड़ी लेनी पड़ी। ये तेज पे वहाँ कांगड़ था भाई। ऐसा स्कैम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट एक च्युइंगम लिया था, मैंने सोचा चलो देखते हैं कितने का क्या है। उससे उन्होंने मेरे से लिए 40 रुपए। कश्मीरी भाई है, उनसे एक भाई से 800 लिए, एक से 500 लिए। ऐसा से मैं चई बुहर ओतर सत आज क्या ऐसे साने चई बुहर दूर का तो से दूर नजम ता। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जैसे कि आपको पता है मैं हूं दिल्ली में, अभी मैं जा रहा हूं वापस। अराउंड में यहाँ पे एक हफ्ते के लिए था, एक्चुअली थोड़ा सा काम था वो सब हो गया। जब मैं जम्मू से यहाँ आया था उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में से एक दो क्लिप्स ना डिलीट हो गए थे, फिर मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो जो आज बना ये आप लोगों के साथ मैं पूरा शेयर करूंगा, काफी मजा आएगा। जब मैं जम्मू से आया था उस टाइम मैं स्लीपर से आया था, आज फिर से मैं जाऊंगा स्लीपर से, तो काफी मजा आएगा। तो स्लीपर का जो सफर है ना वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है हमारा आज का सफर। बाकी अभी हम चाय बना रहे हैं तो पहले चाय पियेंगे अच्छे से, चाय पीने के बाद मैं निकलूंगा यहाँ से, तो काफी मजा आएगा। तो आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। पिछले 3 दिन से वीडियोस नहीं आए हैं, मतलब पहली बार आज वीडियो नहीं आया। आपको पता है मतलब सीरियसली मैं बिजी था तो उसके कारण वीडियो नहीं आया। करते हैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। अभी पहले चाय बनाएंगे। वो भैया नून चाय लगे पाकस ये अस गए चाय बनावा अच्छे कम से कम दिवान वर्यास कालस पाक ये दिवान मिनटन दहन मज त्रो दुध बचे। ये मेरा भाई मिस करेगा मेरे को, बोल रहा था तो मत जाओ। जब इंसान घर से दूर होता है ना यार, मतलब हम समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे अकेले रहना। मतलब हम 3 रह रहे हैं, काफी पहले से हम यहाँ पे ना रह के आ चुके हैं, मतलब हम रहे हैं साथ में। तो आज मतलब जब घर से निकलते हैं ना तो उस टाइम काफी मुश्किल होता है घर से दूर रहना, मतलब ये सब ना काफी मुश्किल होता है। बाकी ये सब भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान, एवरीथिंग विल बी फाइन। बाकी अभी मैं निकलूंगा यहाँ से, पहले मैं चाय पीऊंगा, चाय पीने के बाद यहाँ से मुझे जाना है जामा मस्जिद, वहाँ से फिर मैं स्लीपर पकड़ूंगा, फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। बाकी ये भाई बोल रहा था मत जाओ, मुझे याद आएगी आपकी। अभी हम चाय पीएंगे पहले। मेरा यार इसने ना काफ़ी खिदमत की है मुझे यहाँ पे इतने दिनों में, और इसने भी की काफ़ी अच्छी, तो आई विल मिस देम, तो इनकी याद आएगी ज़रूर। बाकी हम पहले चाय पीएंगे, देखो खुद ये किस में चाय पी रहा है और मेरे को इसमें दे रहा है, ये है प्यार। तो अभी पहले पीते हैं चाय, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ओ जी भाई, अभी मैं हो गया अच्छे से तैयार, अभी पैकिंग वगैरह होगी, अभी मैं निकलूंगा यहाँ से, पहले मुझे जाना है लाल किला, वहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी। अभी पहले मुझे यहाँ से ऑटो पकड़ना है, फिर आगे मेट्रो से जाना है, फिर मैं आगे स्लीपर पकड़ूंगा। तो यहाँ से निकलते हैं, चलिए भाई करते हैं अपना सफर स्टार्ट। चलो, इस साइड ना काफ़ी जाम लगा हुआ है, अभी ऑटो में ही फंसे पड़े हैं। अभी ऑटो से मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन तक। बाहर का व्यू देखो, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे जाना है लाल किला, वहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी। ये आ गई जी मेट्रो। यहाँ से देखो सब स्लीपर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं पकड़ूंगा एक स्लीपर। चलो डबल ही दे देना, पूरा डबल ही लेंगे, 60-60 नहीं वाली भारत बन में मर्सिडीज में इसके पीछे लगी, इसके पीछे 60-60। चलो चलो अभी पहले लेते हैं स्लीपर, फिर निकलते हैं। छुट्टी है ना इसे? हाँ जी, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखा करे, कुछ भी रेट बोलते हैं सब पहले पता करके फिर चढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे कश्मीरी मिलेंगे। चलो थक तिवारी आसान ख्याल, चलो जी आपसे मिलते हैं आगे, पहले करते हैं स्लीपर में। ये है जी मेरी स्लीपर जो मैंने बुक की है, जयनती। तो अभी कुछ पहले सामान वगैरह लेते हैं खाने के लिए, फिर हम चलते हैं भाई। आपको मैं बता दूं कि सामान जो है वो मैं यहाँ से क्यों लेता हूँ खाने के लिए, रास्ते में मैं क्यों नहीं खाता हूँ, आप लोग आगे वीडियो देखना, मैं आपको एक रियलिटी दिखा दूंगा, ठीक है। तो जरूर से आप देखना आगे क्या होगा, मैं तो आता रहता हूँ ना, मुझे पता है होता क्या रहता है। पहले कुछ लेते हैं खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है, फिर हम चलते हैं यहाँ से। पूरा एरिया जो है ना यहाँ पे आपको स्लीपर्स मिलेंगे, क्योंकि ये ना लाल किला एरिया है,
चलो अभी मैं स्लीपर में आ गया। एक्चुअली मैंने ना पूरा डब्बा ले लिया ये देखो, क्योंकि मैं ना कंफर्टेबल बैठना चाहता हूँ। तो ये पूरा साइड यहाँ पे मेरे सामान वगैरह रहेंगे और इस साइड मैं खुद रहूँगा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी मुश्किल होता है। आराम से बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी ये अराउंड 9 बजे निकलेगी, 9 बजे फिर हम यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा, पूरी रात लगेगी। सुबह अराउंड ये पहुँचेगी 8 बजे के करीब। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। इससे पहले जब मैं वहाँ से आया था ना, वो वीडियो पता नहीं यार कुछ क्लिप्स ना उसमें डिलीट हो गए थे, तो फिर मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। और आगे रास्ते में जो होता है ना, वो आप सबके लिए ना एक मतलब मैसेज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे कश्मीरी लोग ना यहाँ पे आते हैं, और जो इससे पहले हुआ है जब मैं वहाँ से आया ना, काफ़ी सारे लोगों के साथ ना काफ़ी बुरा हुआ है, काफ़ी गलत हुआ है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि होता क्या है, ठीक है? क्योंकि मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक चाय ले ली है, पहले से थोड़ा सा चाय पियेंगे क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। चाय तो मैं काफ़ी पीता हूँ, आपको पता है, चाहे से नून चाय सन या से लेफ्टन चाय सन। यहाँ पे चाय पीने का ना अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि ये अदरक वाली होती है ना, तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें पीने में। अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद ये निकलेगी यहाँ से, क्योंकि सब सवारियाँ इसमें चढ़ गए। अभी निकलेगी यहाँ से, काफ़ी टाइम लगेगा, आपसे मिलते हैं रास्ते में। काफ़ी मज़ा आएगा इस ट्रैवल में ना, जो स्लीपर से करते हैं ना, काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, आपसे मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या रहता है। आप वीडियो में बने रहना, आगे मैं आपको बता दूंगा कि जो स्कैम होता है ना वो कहाँ पे होता है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी कश्मीरी लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये वीडियो ना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे बचना है, ठीक है? तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। अभी हमारी गाड़ी जो है वो निकल गई दिल्ली से, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। ये देखो गाड़ी चल रही है, अभी आराम से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। अभी रास्ते में चल रहे हैं, रोड काफ़ी ज़बरदस्त है। हम भी करते हैं आराम। अभी मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह है, ये मैंने अभी चाय वगैरह पी थी और यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था। बाकी सामान मेरे साथ है, तो आपसे मिलते हैं आगे। अभी काफ़ी सफ़र है आगे, चलो। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये देखो भाई धुंध कितनी ज़्यादा है। थोड़ी सी चाय वगैरह जिसको कुछ खाना होगा वो यहाँ पे खाएगा। तो ये हम कुछ ढाबा पे रुके हैं, ये देखो शिवा ढाबा लिखा है, तो कुछ खाएंगे पहले। मैं कुछ वैसे कुछ खाऊंगा नहीं, मैं फिर चाय वगैरह पीऊँगा। अभी थोड़ा बहुत आगे जाते हैं, फिर देखते हैं। बाकी धुंध काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आज। चलो जी पहले कुछ खाते हैं। ये रही इस साइड हमारी बस, ये वाली जयानती, काफ़ी मज़ा आता है भाई, बस काफ़ी अच्छी क्लीन है। चलो भाई कोई कुछ देखते हैं भाई, कुछ खाते हैं। चलो यहाँ पे तो पूरा मार्केट है इस साइड, जो आपको कुछ खाना है वो आपको मिलेगा, काफ़ी पूरा। तो यहाँ पे पहले कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे उतर के थोड़ा सा मैंने चाय वगैरह पी, अभी गाड़ी यहाँ पे रुकी थी इसीलिए जिसको जो कुछ खाना था वो यहाँ पे खाएगा। अभी गाड़ी निकलेगी, अभी हम कुछ ही दूर चले थे, आधा घंटा हमने सफ़र किया, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है, अभी निकलते हैं। थोड़ा बहुत मैंने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली और चाय पी, अभी सोते हैं, आपसे मिलते हैं फिर बाद में। अभी टाइम आ रहा है 1:15, तो अभी मैंने सोचा था मैं सो जाऊंगा, पर बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जब मैं जम्मू से आया था ना उस टाइम मैं ना पहले ही सो गया था, पर आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और थोड़ी सी भूख भी लग रही है, लग रहा है कुछ खाना चाहिए। पर देखते हैं कहाँ पे गाड़ी रुकेगी। और एक चीज़ मैं बता दूंगा कि खाने में यहाँ पे क्या स्कैम होता है, ठीक है? वो आप आगे देख लेना व्लॉग, अगर ये गाड़ी वहाँ पे रुकी, ठीक है? आप व्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद कि क्या होता है यहाँ पे। बाकी अभी 1:30 को हो रहे हैं, अभी 1:15 हो गए, तो मुझे लग रहा है 2-3 बजे ये रुकेगी। चलो भाई देखेंगे हम भी कितना क्या टाइम लगता है अभी और कैसा रहेगा। बाकी काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ मैं, काफ़ी अच्छा सफ़र जा रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, सब कुछ सामान मेरे साथ है, तो अच्छे से बैठा हूँ मैं। चलो आपसे मिलते हैं आगे। अभी अभी टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 3:30 के करीब। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि आगे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे गाड़ी रुकती है और बोलती है आप लोग खाना खाओ। मतलब मुझे नहीं पता गाड़ी वाले को पता होता है ऐसा होता है नहीं होता है, मैं ये नहीं कह सकता इसको पता होता है। पर जब आप खाना खाओगे ना पहले आप उनको बोलोगे कि रेट क्या है, ठीक है? जब वो नॉर्मली आपको बोलेंगे इतने में है, जैसे कि 40 में प्लेट है, 80 में प्लेट है या फिर 100 में प्लेट है, देन आफ्टर जब आप खाओगे ना अच्छे से खाने के बाद वो आपको बोलेंगे आपके 450 हुए, 650 हुए, इवन कि वो आपसे बोलेंगे कि 850 तक भी हुए हैं, जस्ट फॉर मतलब थोड़ा सा अगर आप खाओगे जो कि जिसका प्राइस यही 30-40 रुपए का हो उसका वो आप लोगों से लेगा अराउंड यही 500, 600, 700, 800 तक,
क्योंकि अभी ये हुआ है जो कि कश्मीर से काफी सारे लोग हैं उनके साथ हुआ है, इवन जो बाहर के लोग हैं उनके साथ भी हुआ है। मुझे पता था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ लोगों को बोला था कि ऐसा होता है, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, पर उनके साथ हुआ। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो जो ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज से ना बचे रहे, आप रास्ते में मतलब इस चीज़ से बचे रहे, आप रास्ते में ना बिल्कुल मत कुछ खाया करें, क्योंकि आप जब निकलते हो ना उसी टाइम आप साथ लिया करो, क्योंकि रास्ते में जब आप कुछ खाओगे तो आपसे डबल के ट्रिपल पैसे लेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, पता नहीं या फिर भी ये चीज़ें हो रही है। आई डोंट नो भाई किसका सपोर्ट है, क्या चल रहा है, खैर ये होता रहता है। बाकी बस ये ध्यान रखें कि रास्ते में जहाँ पे रुकेगी ना गाड़ी रात को 3 बजे 3:30 बजे कि आप लोग खाओ कुछ नहीं, बिल्कुल मत खाया करो, बस जस्ट आप बाहर निकलो और उसके बाद वापस आया करो, क्योंकि बाद में आपको 50 की जगह आपको 1000 रुपये अगर 700-800 पे करने पड़ेंगे, वो ठीक नहीं रहता है। अभी 3:30 बज रहे, अभी चल रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा स्कैम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे को एक च्युइंगम, मैंने जस्ट एक च्युइंगम लिया था, मैंने सोचा चलो देखते हैं कितने का क्या है, उससे उन्होंने मेरे से लिए 40 रुपये। तो वहीं पे मैं समझ गया था भाई यहाँ पे भी वही हाल है। जब मैं इससे पहले काफ़ी पहले आया था यहाँ, उस टाइम भी यही हुआ, तो मुझे पता था ये होने वाला ही था, इसलिए मैंने जस्ट च्युइंगम भी मेरे को 40 रुपये देने पड़े, इवन वो 10 का था उन्होंने 40 ले लिए मेरे से। बाकी कश्मीरी भाई है उनसे एक भाई से 800 लिए, एक से 500 लिए, और एक बोला था भाई 350 लिए जस्ट एक प्लेट के लिए। बोलने का मकसद यही है कि जब गाड़ी रुकेगी खाने के लिए कि भाई लोग खाओ, बिल्कुल मत खाओ, जस्ट बाहर निकलो और अंदर आओ, वापस की नहीं जहाँ पे नहीं खाना है। अगर आप जहाँ से आप जा रहे हो ना वहाँ से आप साथ लेके चलो, वही ठीक रहेगा। अभी मैं करता हूँ आराम, अभी काफ़ी लेट हुआ है, तो आपसे मिलते हैं सीधा जम्मू में। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मैं अभी जम्मू पहुँच गया, अभी घर भी आ गया, अभी चाय वगैरह पियेंगे पहले, चाय पीने के बाद फिर देखते हैं। वैसे यहाँ का मौसम भी उतना सही नहीं है, काफ़ी सर्दी है यहाँ पे भी, पहले चाय वगैरह अच्छे से पियेंगे और पापा मम्मी आपा से मिलेंगे। तो चलो, रास्ते में उतने अच्छे से सो भी नहीं पाए, तो अभी आराम से पहले वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, क्योंकि 3 दिन से वीडियो नहीं आया, वीडियो भी आज ही अपलोड करना है। जम्मू में भी देखो कितनी सर्दी है, यहाँ पर आते ही कांगड़ी लेनी पड़ी, इतने पे वहाँ कांगड़ता पाई। चलो जी, सर्दी भी काफी ज्यादा थी, सर्दी काफी ज्यादा है, कांगड़ पे माता पे यार करो क्या। बाकी अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद दिल ते सर्दी ताप ही नहीं, कोई नहीं ताप कशीर मजा।